हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? तो दोपहर का टाइम हो रहा है और टाइम हो रहा है 4। तो बस मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते। तो सब कुछ रेडी है, सब कुछ तैयार है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में भी शेयर करते हैं। तो बस चलिए फिर फटाफट बनाते हैं। और पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या चीज़ रेडी करके रखी हुई। टमाटर भी चॉप कर लिए हैं, प्याज भी चॉप कर लिए हैं, और इधर मैंने इसका लौकी का पेस्ट बना के रख लिया है। इसमें मैंने 4-5-6 चम्मच मैंने इसमें बेसन डाला, हरी मिर्च डाली, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, और बस इनको सबको मिक्स कर लिया। पहले थोड़ा सा लौकी को मैंने निचोड़ लिया था। और इधर मैंने सरसों का तेल ले लिया है, और सरसों का तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, तो बस फटाफट इनको हम तल देते हैं और फिर बस सब्जी बना देंगे। तो बस मैंने इधर ना सारे पकोड़े जो हैं लौकी के जो कोफ्ते हैं वो सारे मैंने तल लिए हैं। तो बस ये 2-3 रह गए हैं, तो बस ये भी हमारा लास्ट ही था। बस ये हो गया है, और बस अब इसका तड़का बनाते हैं। जो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल दिख रहा है ये मैं थोड़ा सा निकाल दूंगी, इतना ऑयल नहीं डाल। और ये बनकर हमारे कोफ्ते एकदम तैयार हैं, और बस फटाफट अब इसका तड़का बना देते हैं। और मसालेदानी भी मैंने निकाल के रखी हुई है साथ के साथ। तो बस इधर अच्छे से बिल्कुल मसाला भून चुका है, और इसमें मैंने सारे मसाले ऐड कर दिया। धनिया पाउडर जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं घर में यूज़ करने वाले। और बस अब ये जो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी भर के रखा हुआ है इसमें मैं डाल दूँगी, और इसको मैं अब होने दूँगी बहुत अच्छे से बॉइल, एकदम बढ़िया तरीके से। और अब ये वाला जो चमचा है ये यूज़ नहीं करेंगे, स्पूनी को इसमें रख देते हैं, और अब ये वाला यूज़ करेंगे। तो बस इसमें बॉईल आने के बाद में फिर जो कोफ्ते रखे हुए हैं ये हम ऐड कर देंगे। तो पहले इसमें बॉईल आ जाए, और अब इसमें आ चुका है बहुत अच्छे से बॉईल, और बस मैं इसमें अब डाल दूँगी कोफ्ते। तो जो पानी सॉफ करना होगा वो कर लेंगे, पर मैं ना थोड़ी सी ग्रेवी ना अलग करके रखूँगी, क्योंकि नवीन को ना वो बिल्कुल पसंद नहीं है कि बिल्कुल मतलब गाढ़े गाढ़े हो जाते हैं ना, वो पसंद नहीं है। तो मैं थोड़ा सा ना ग्रेवी अलग से निकाल के रख दूँगी, ताकि वो जब खाना खाएं तो मैं उसमें ऐड करके थोड़ा सा और उसको बॉईल कर दूँ। तो थोड़ा सा मैं कटोरी में निकाल के रख दूँगी। तो ये मैंने थोड़ा सा जो ग्रेवी है ना वो अलग से निकाल दी है। तो बस अब मैं जिस ये कोफ्ते जो है वो बस, और इसमें मैं बॉईल नहीं लाऊंगी क्योंकि काफ़ी देर से आ रहा है बॉईल इसमें। बस ये इसमें हमने डाल दिया, और बस ये मैंने थोड़े बहुत जो है ये वाले ये मैंने रख लिए हैं भूवी के लिए, क्योंकि भूवी का अगर खाना चाहेगा तो खा लेगा, और नहीं खाना चाहेगा तो कोई बात नहीं। और फिर मम्मी भी खा लेती है थोड़ा बहुत इसमें से, क्योंकि लौकी के कोफ्ते तो अच्छे लगते हैं पकौड़ों की तरह। तो बस ये सब्जी जो है हमारी बनकर एकदम बढ़िया वाली डन है, और अब इसको ढक के हम गैस जो है बंद कर देंगे, और इसको मैं रख दूंगी साइड में, इसको भी, और इसको छोटी प्लेट ढकते हैं कभी ये गिर जाए, ये वाली छोटी प्लेट ढक देते हैं, और ये भी हम इसमें रख देते हैं। बस तो बस कोफ्ते हमारे बनकर रेडी हैं। तो मिलते हैं हम आपसे, अब देखती हूँ मैं आपसे कल मिलती हूँ या शाम को ही मिल जाऊँगी, और अभी वैसे फ़िलहाल अभी कुछ ऐसा दिखाने के लिए है नहीं, तो देखते हैं। है
हेलो एवरीवन, तो सुबह का टाइम हो रहा है और आज एकादशी है, पर पूरा नाम मेरे को याद नहीं है जी यार क्या है, पर हाँ आज मेरा फास्ट है। और पिछले दिन मैंने जो लौकी के कोफले की सब्जी आपको दिखाई थी वो आप लोगों ने देख ली होगी। और बस अभी फ़िलहाल मैं नीचे आई हुई थी, तो बस अभी नीचे बन गई थी प्लेट, तो बस हम लोग इसको बैठ के चुगेंगे क्योंकि दिनेश भैया कहीं पे जा रहे हैं, तो वो आ जाएंगे अभी आधा घंटे में, तो इतना हम लोग काम करेंगे यहाँ पे। और इधर बैठे हुए मेरे पति जो चुग रहे हैं प्लेट, और इधर बन रही है, बस अभी फ़िलहाल एक ही मशीन चल रही है, एक मशीन पे ये वाली प्लेटें बन रही हैं। और भूविक चला गया है बाहर, वो खेल रहा उधर, तो चलिए फिर फटाफट इनको चुग ले। बस अभी काफ़ी देर हो गया हमको इसके आगे बैठे हुए, और इस जब ये चलती है ना तो थोड़ी सी ना इसमें से हीट भी आती है, तो गर्मी तो लगती है क्योंकि ये हीट से ही बनती है प्लेन। तो बस चुग रहे हैं अभी तो बैठ के, और थोड़ा सा अभी ये है कि नन्नी भी इतने आ जाएगी तो मैंने सोचा नीचे हेल्प करा देती हूँ, फिर रोज़ ही आ जाती हूँ मैं नीचे बैठने के लिए, तो अच्छा लगता है। और बस अभी वो भी गया हुआ है इधर पानी लेने के लिए, मतलब पानी तो ऊपर से आ सकता है पर वो यहाँ से लेने गया है क्योंकि ऊपर अभी कोई था नहीं इसलिए। और बस आज का व्रत है और देखते हैं कैसा जाता है पूरा दिन हमारा। और साथ के साथ हम मैं नीचे काफ़ी बार आ जाती हूँ प्लेट चुगने के लिए जिससे कहीं पे नवीन चले जाते हैं या फिर दिनेश भैया लंच करने के लिए चले जाते हैं, तो मैं आके बैठ जाती हूँ और चुग लेती हूँ। कुछ नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है, क्या है अपना काम है ना, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती काम करने में, और अच्छा भी लगता है, बनती रहती है और फिर बस इनको चुग के रखते रहो और अच्छा भी लगता है बनना। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है बनती हुई प्लेट ऐसी, तो आप देख लो। तो चलिए फिर अभी ना भूविक आ जाएगा, और हाँ आज पता थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी आपको, तो आज भूविक पता है आज भूविक मेरी मम्मा बना हुआ है और मैं भूविक बनी हूँ, तो भूविक बोलता है कि मम्मा आप भूविक बोलो, मैं जो हूँ मम्मा हूँ, आप मुझे मम्मा बोलो। तो आज उसको मैंने मम्मा बनाया हुआ है, वो सारे काम कर रहे हैं मम्मा तो चलिए बहुत सारी इकट्ठी हो गई, तो इनको फटाफट चुग लेते हैं, मतलब इकट्ठा कर लेते हैं। और आ गया भूविक, भूविक की तरह मम्मी है भूविक, मम्मी हो मम्मा, मेरे को ना चॉकलेट चाहिए, आप लाके दोगे, इधर देखो लाके दोगे, आप मम्मा को पारी करो भूविक को पारी करो। चलो तो जल्दी से चुग लेते हैं, बस अभी मैं हाँ अभी तो बस अभी ऊपर आई थी और ये सारे कपड़े उतार के नीचे लेके जाऊंगी, और बस ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं करूंगी, और जो पीछे की जो 3-4 क्लिप है जो मैंने नीचे फैक्ट्री में बनाई थी ना उसमें कुछ ज़्यादा ही नॉइज़ आ रही है, तो प्लीज़ इग्नोर करना। तो बस मैंने दिखाया कि आज का दिन मेरा कैसा गया, और अभी तो फिलहाल बहुत अच्छा गया। सुनो ये पॉपकॉर्न मांग रहा, दिला देना इसे, भेज दो, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, अब उनकी तो बेइज्जती हो जाती है यार हाँ अरे अभी माँ जी आएगी ना, माँ जी लेके आ जाएगी। तो चलिए फिर अब मैं, और इस व्लॉग का अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज, अभी वो रो रहा है इसलिए,
तो अगर इस व्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। उम्मीद है अच्छा लगा होगा, तो बस उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब, और प्लीज़ देख लिया करो क्यों इतने भाव खा रहे हो। और बस भूविक का तो अब रोना स्टार्ट हो गया क्योंकि वो नीचे गाना बजाया जा रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।